हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जादू के बारे में। ये वाला जादू नहीं, ये वाला जादू। नाउ यू कैन सी मी, लुईस लेटरियर ने इसको डायरेक्ट किया है। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने द इनक्रेडिबल हल्क और द ट्रांसपोर्टर जैसे फिल्म भी डायरेक्ट किया है। 31 मई 2013 को ये फिल्म रिलीज हुआ था और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स में ये रिलीज हुआ था 2 मार्च 2015 को। इसके बारे में आगे और जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा शॉर्ट इंट्रो। आईएमडीबी में इस फिल्म को मिला है 7.3 out of 10 रेटिंग्स, रोटेन टोमेटोज में 50% फ्रेश और ऑडियंस स्कोर है 73%, यानी बहुत बढ़िया फिल्म है क्रिटिक्स के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से। $75 मिलियन की बजट की बनाई गई ये फिल्म है, लेकिन इसने पूरे वर्ल्ड वाइड में $351.7 मिलियन का अर्निंग किया है, यानी अपने बजट से 5 गुना ज़्यादा इसने अर्निंग किया है। पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है एज फॉर बेस्ट थ्रिलर मूवी। नॉमिनेशन में भरा है इसने एम्पायर अवार्ड का एज बेस्ट थ्रिलर मूवी। सैटर्न अवार्ड भी नॉमिनेशन में इसका नाम गया था। और बेस्ट थ्रिलर मूवी एंड बेस्ट म्यूजिक। म्यूजिक की बात आई है तो इसमें म्यूजिक किसने दिया है? ब्रियन टाइलर। आयरन मैन 3, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, एक्सपेंडेबल्स, फास्ट एंड फ्यूरियस के कुछ पार्ट्स, जिन्होंने म्यूजिक दिया है, आइकॉनिक म्यूजिक दिया है, वो यही बंदा है। तो भाई अवार्ड तो बनता है। कास्ट के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इस फिल्म में 4 मैजिशियन का एक ग्रुप है जिसको द 4 हॉर्समैन कहा जाता है, जहाँ पे इन चारों का 4 किरदार है यानी रोल है। द लवर, द हर्मिट, द हाई प्रिस्टेस और डेथ। अब आते हैं कास्ट के बारे में। जेसी आइसेनबर्ग, जिसको आपने लेक्स लूथर के रोल में भी देखा है, वो इस फिल्म में है एज जे डैनियल एटलस। हॉर्समैन में ये लीडर है और द लवर के रोल में है। ये एक इल्यूशनिस्ट है और स्ट्रीट मैजिशियन भी। उडी हैरल्सन एज मैरिट मैकिनी, ये एक हिप्नोसिस्ट है और मेंटलिस्ट भी। पूरे हॉर्समैन के 4 किरदार में ये सबसे एजेबल इंसान है, मतलब बुढ़ा नहीं है लेकिन एज के हिसाब से ज़्यादा है ये। और इसका जो रोल है वो है द हर्मिट का। इस्ला फिशर एज हैनली रीव्स, हॉर्समैन में इसका रोल है हाई प्रिस्टेस, एक स्केपिस्ट है और स्टेज मैजिशियन भी। और हाँ, ये जे डैनियल एटलस का फॉर्मर असिस्टेंट और एक्स लवर भी रह चुकी है। डेव फ्रैंको एज जैक वाइल्डर, एक इल्यूशनिस्ट है, स्ट्रीट मैजिशियन भी और लोगों की आवाज़ की नकल करना इसे बखूबी आता है। द हॉर्समैन में इसका कैरेक्टर है डेथ और ये सबसे यंगर यानी कम उम्र का बंदा है। हमारे मार्क रफलो भाई साहब यानी हल्क भाई साहब भी इसके अंदर है एज डिलन रोड्स, जिनका कार्ड है द फूल, द जोकर। ये एक सस्पेंस है, एक सीक्रेट है, ये मैं नहीं बता सकता इस फिल्म में क्यों कैसे, क्योंकि अगर आपने ये अभी जान लिया तो सस्पेंस थ्रिलर का कोई नाम और निशान नहीं रहेगा इस पूरे फिल्म का, पूरा धज्जिया उड़ जाएगा। वो मैं नहीं चाहता। आप फिल्म को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सीक्रेट है, बहुत बड़ा सस्पेंस है। तो ये जो बंदा है डिलियन रॉड्स, ये एक FBI एजेंट है जो इन 4 हॉर्समैन के पीछे हाथ धो के पड़ा है। मिलानी लॉरेंट एज एल्मा ड्रे, जो एक फ्रेंच इंटरपोल एजेंट है जो डिलियन रॉड्स की मदद कर रही है इन 4 हॉर्समैन को पकड़ने के लिए। माइकल केन एज आर्थर ट्रेसलर, जो एक इंश्योरेंस कंपनी का मालिक है और द 4 हॉर्समैन का स्पॉन्सर भी है। इस फिल्म में मॉर्गन फ्रीमैन भी है एज थेडस ब्रैडली, जो खुद भी एक मैजिशियन है लेकिन 30 सालों से वो उस मैजिशियन के काम को छोड़ दिया और 30 सालों से वो मैजिशियन के जो सीक्रेट ट्रिक्स होते हैं उनको रिवील करने का शो करते हैं, अभी यही उनका पेशा है। अब आते हैं स्टोरी के अंदर। स्टोरी में
अगर मैंने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया तो आपको घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर से फिल्म का पूरा मजा चला जाएगा, इसलिए मैं पूरा ब्रेक डाउन नहीं करने वाला। मैं बस कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ, स्पॉइलर थोड़ा बहुत होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। मैं पूरा ब्रेक डाउन नहीं करने वाला क्योंकि ये फिल्म सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर के ऊपर बेस है। अगर मैंने बोल दिया तो ये पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा ये। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जाके इस फिल्म को देखिए। आप सुनने से इस फिल्म का मजा नहीं ले सकते, इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट वो समझ नहीं पाएंगे, बेकार में आपका दिमाग खराब होगा, इसलिए बेटर है आप इस फिल्म को देखिए। द फोर हॉर्समैन जो है, फोर मैजिशियन जो है, वो द आई की बात मानते हैं, आई का ऑर्डर मानते हैं, आई कहता है तो इधर जा, आई कहता है तो उधर जा, तो उधर जाता है, तो ऐसा ही मानता है। और आई और द हॉर्समैन के बीच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, उनके बीच एक मैसेंजर का काम करता है, एक बंदा मैसेंजर का काम करता है। वो ही मैसेंजर कौन है वो आपको बाद में पता चलेगा, वो अभी मैं नहीं बताने वाला, सीक्रेट है। नेक्स्ट, द आई द फोर हॉर्समैन को कहता है रॉबरी करो, यानी द रॉबिनहुड का काम ये लोग निभाते हैं। जैसे रॉबिनहुड बड़े रिच मैन उन लोगों से पैसे चुरा के गरीबों में बांटता है, ठीक ये भी वैसा ही करता है। जो लोग करप्टेड है, जो लोग मुसीबत के समय इंसान के पास नहीं थे, उन लोगों के पैसे बैंक से ऐसे उड़ा लेते थे और लोगों में बांट देते थे। इसलिए ये बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। लेकिन इस फिल्म के लास्ट में वो लोग हवा में ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे मतलब सचमुच के मैजिक। अभी क्या होता है वो तो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन गायब हो जाएंगे। पार्ट टू में इसका रिवील होगा। और हाँ, इस फिल्म में जो भी मैजिक या जो भी इंसिडेंट होता है उसका पूरा का पूरा डिटेल्स थैडस ब्रैडली कर देगा। इस फिल्म को देखने के बाद आपको ये लगेगा थैडस ब्रैडली ही मेन विलेन है, लेकिन वो मेन विलेन नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी जब आप पार्ट टू को देखोगे। पार्ट टू का रिव्यू मैं कर दूंगा। आपको बस ये बोलना था कि आपको ये फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं, आपका कीमती समय इस फिल्म को देना चाहिए हाँ या ना। तो मैं कहूँगा कि हाँ, टाइम पास बोलोगे या स्टोरी बोलोगे, थ्रिलर बोलोगे, सस्पेंस बोलोगे, फिल्म देखने के बाद आपके मुंह से यही निकलेगा, वाओ क्या फिल्म थी भाई, मजा आ जाएगा, ऐसा ही फिल्म है ये। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं बोल दिया तो थ्रिलर सस्पेंस का कुछ माँ बहन कुछ रहेगा नहीं, पूरा चौपट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग देख के आइए। और बस यही तक का था इस वीडियो का। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर किसी वीडियो का रिव्यू या ब्रेकडाउन किसी फिल्म का चाहिए तो उसका कमेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, बी सेफ एंड जय हिंद।